चलिए आगे बढ़ते हैं और जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बीवीजी कंपनी की लापरवाही से शहर कचरा कचरा हो गया है। मेयर ने किया दौरा तो खुलकर सामने आई बीवीजी कंपनी की पोल। ग्रेटर निगम मेयर शील धाबाई दूसरे दिन भी निकली दौरे पर। अजमेर रोड से वैशाली नगर क्वींस रोड पर सफाई व्यवस्था का जायजा उन्होंने लिया है। जगह जगह कचरे का ढेर नजर आया है। सफाई नहीं होने पर मेयर ने नाराजगी जताई है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, देखिए मेयर शील धाबाई लगातार कचरे को देखकर एक्टिव नजर आ रही है और उनकी कोशिश और कवायद यही है कि निगम साफ और स्वच्छ नजर आए। आई देखिएगा, यही कोशिश है। दबी सर्दी के इन वक्त के अंदर मेयर सुबह अपने लवाजमे के साथ जयपुर की सड़कों पर निकलती हैं, ग्रेटर के क्षेत्र में जाती हैं और ये तस्दीक करती हैं कि क्या बीवीजी कंपनी की कार्यशैली के अंदर कोई बदलाव आया। लेकिन जब भी वो नई जगह जाती हैं तो वही हालात नजर आते हैं। हर तरफ कचरे के ढेर होते हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ होता है और यही नतीजा रहा कि कल भी जब मेयर गई थी जयपुर में वैशाली के अंदर गांधीपथ इलाके में, तो वहां पे भी काफी गंदगी का ढेर था। वहां पे लताड़ लगाई थी, बीवीजी की कंपनियों को नसीहत दी गई थी और नोटिस जारी किया गया था। जैसे ही आज झोटवाड़ा क्षेत्र के अंदर जब पहुंचे वहां पे भी इसी तरह के हालात नजर आए। अजमेर रोड से वैशाली नगर जो किंग रोड जाता है उस पर भी सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, लेकिन वहां पे भी गंदगी के ढेर लगे हुए थे। लोगों से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि पिछले कई समय से डोर टू डोर जो कचरा सिलेक्शन करता है व्हीकल, वो उनके वहां नहीं आता। कई बार शिकायत कर चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह कि यह बीवीजी कंपनी वो बीवीजी कंपनी है जिससे सब हार चुके हैं, चाहे जनता हो, जनप्रतिनिधि हो, मेयर हो या मंत्री हो, तमाम लोग एक ही आवाज में कहते हैं कि बीवीजी कंपनी की वजह से जयपुर शहर कचरा कचरा हो गया। ऐसे के अंदर अब देखना यह है कि बीवीजी कंपनी के खिलाफ सरकार कब तक सख्त एक्शन लेती है, क्योंकि मेयर साफ तौर पे कहती कि इस बीवीजी कंपनी को वो अपने ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में नहीं देखना चाहते। वो नए सिरे बिल्कुल, इसीलिए जियाउद्दीन देखिए उन्होंने कोशिश भी की।